हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे। अभी हमने संदेश लेसन लंबा है, तो अभी आप कल तक आपने पढ़ा था गद्य भाग का फोर्थ। अब ये फिफ्थ भाग पर आएंगे, यानी शेष जो उसका बचा हुआ है पार्ट 7 गद्य भाग का, संदेह का जो शेष भाग और बचा है उसी का, उस पर हम आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। आज जितना भी उसमें प्रश्न बचा होगा उसको अब हम संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि लेसन का एक्सप्लेन, लेसन की व्याख्या हमने, पाठ की व्याख्या हमने अच्छी तरह से कर दी है, और एक-एक प्रश्न का उत्तर भी हम बताते जा रहे हैं, और आप उस व्याख्या से अपने वर्कबुक से मदद लेकर के लिख लेंगे। तो अभी आपका हुआ ये पैराग्राफ आपका हो गया, ओ संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने, इस पर प्रश्न भी हो गया। अब है तुमको भी संदेह हो रहा है, तो ठीक ही है, मुझे भी तो संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही? पढ़ाते समय, पाठ को पढ़ाते समय इसका, इसकी मैं व्याख्या की हूँ, उससे आपको मदद मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर लिखने में। फिर भी मैं उसका उत्तर आपको एक बार और से बताऊंगी। किसको, किस पर और क्यों संदेह हो रहा है, तीन प्रश्न आ रहा है। तो राम निहाल को मनोरमा पर संदेह हो रहा है। वह उसे पटना क्यों बुला रही है, तथा वह सोचता है कि श्यामा को भी मनोरमा पर संदेह हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। श्यामा एक परिपक्व स्त्री है, वह परिस्थितियों को समझती है, तथा उसे विश्वास है कि मनोरमा दुष्चरित्रा नहीं है, वह केवल परिस्थिति बस राम निहाल को अपनी सहायता के लिए बुला रही। दूसरा प्रश्न है, श्रोता के संदेह के बारे में लिखिए। श्रोता और वक्ता के संदेह के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। दो प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। वक्ता तथा श्रोता के संदेह में अंतर है। आप अपने सामने गद्य का बुक रखेंगे, उस पैराग्राफ को देखेंगे, उसी से आपको उत्तर मिलेगा। वक्ता तथा श्रोता के संदेह में अंतर है। वक्ता यानी राम निहाल को यह संदेह है कि मनोरमा उससे स्नेह करने लगी है, इसलिए उसे इतने सारे पत्र लिख रही है। तथा श्रोता यानी श्यामा को संदेह है कि कहीं मनोरमा के इतने सारे पत्र देखकर वह मनोरमा से प्यार तो नहीं करने लगा है। यानी श्रोता इसमें श्यामा है जो राम निहाल के बारे में सोच रही है, या कहीं वह उसको दुष्चरित्रा तो नहीं समझ बैठा है। यानी इसे एक बार सुनो कि वक्ता राम निहाल को यह संदेह है कि मनोरमा उससे स्नेह करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है, इसलिए उसे इतना पत्र लिख रही है। तथा श्रोता उसके पास कौन है, श्यामा। तो श्यामा को संदेह है कि कहीं मनोरमा के इतने सारे पत्र देखकर वह भी मनोरमा से प्यार तो नहीं करने लगा है। यानी कौन, राम निहाल, या कहीं वह उसको दुष्चरित्रा समझ रहा है। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब है श्रोता का परिचय लिखते हुए उसके चरित्र के प्रमुख दो गुणों के बारे में लिखना है। तो प्रस्तुत कथन की श्रोता कौन है, श्यामा नाम की एक आदर्श विधवा स्त्री, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों वाली है तथा जीवन में नियमों का पालन करने वाली है। और उसके चरित्र की मुख्य दो विशेषताएं पूछा है, तो उसके चरित्र की मुख्य दो विशेषताएं हैं कि वह अत्यंत समझदार, पहला क्या है कि वह अत्यंत समझदार है, और दूसरा क्या है कि वह बहुत ही चरित्रवान स्त्री, बहुत ही उत्तम चरित्र वाली स्त्री। ये इसकी दो मुख्य विशेषताएं।
अब है श्यामा अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से, उसने पैराग्राफ चेंज करके श्यामा अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से राम निहाल के जीवन की रिक्तता को भर देती है तथा उसके संपर्क में आकर राम निहाल का भी जीवन मूल्यों के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है। अब प्रश्न है कि कहानी के आधार पर मनोरमा का चरित्र चित्रण कीजिए। आपके वर्कबुक में भी मनोरमा का चरित्र चित्रण दिया है, फिर भी कहानी के आधार पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगी। मनोरमा एक सच्चरित्र महिला है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह बहुत ही समझदार है, दूरदर्शी भी है। वह ब्रज किशोर के षड्यंत्र को समझ जाती है, इसलिए वह राम निहाल से मदद लेकर के ब्रज किशोर के षड्यंत्र के बारे में पता लगाना चाहती है। और वह यह समझ जाती है कि राम निहाल ही ऐसा विश्वास पात्र तथा समझदार व्यक्ति है जो एक सच्चा मददगार साबित हो सकता है, इसलिए उसे पटना आकर अपनी मदद करने के लिए पत्र लिखेंगे। अब आपका पैराग्राफ है, जाओ उसकी सहायता करके लौटाओ। ये पृष्ठ संख्या 47 है, आप देखेंगे ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में। जाओ उसकी सहायता करके लौटाओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको वही यहीं रहना होगा, समझे? बैस बैस करके रक्षा करो। अब है क्वेश्चन, वक्ता श्रोता से किसकी रक्षा के लिए कह रही है और क्यों? तो वक्ता श्यामा जो एक बहुत समझदार सुलझे हुए विचारों वाली युवती है, वह श्रोता राम निहाल को मनोरमा की सहायता करने के लिए पटना जाने के लिए कह रही है। वह सोचती है कि उस दुखियारी महिला की सहायता अवश्य होनी चाहिए। आगे का प्रश्न है कि संदक्षता की आवश्यकता से वक्ता का क्या तात्पर्य? तो संदक्षता की आवश्यकता से वक्ता श्यामा का तात्पर्य एक विश्वास पात्र समझदार व्यक्ति का सहारा मिलना है। राम निहाल के क्रियाकलापों, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी से श्यामा बहुत प्रभावित हो गई थी, इसलिए उससे कहा कि वह अपना काम करके वापस आ जाए, क्योंकि उसे अभी श्यामा की संरक्षता की आवश्यकता है। श्यामा के अनुसार राम निहाल अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाया है। फिर आगे का प्रश्न है कि वक्ता के मनोरमा के बारे में क्या विचार थे, वह राम निहाल के विचारों से क्यों सहमत नहीं थी? तो वक्ता जो श्यामा है वह बहुत ही विवेकवान स्त्री, जिंदगी की परेशानियों ने उसे परिपक्व बना दिया। उसके मनोरमा के विषय में यह विचार है कि वह एक दुखियारी स्त्री है, इसलिए राम निहाल को उसकी मदद करनी चाहिए। वह उसको यह भी समझाती है कि उसकी वह सोच गलत है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, वह दुष्चरित्रा है, यह बिल्कुल उसका सोचना गलत है। एक स्त्री के जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह इस सच्चाई को भली प्रकार से समझती है। कौन? श्यामा। अब प्रश्न है कि ब्रज किशोर कौन है? मनोरमा व मोहन बाबू तथा श्यामा और राम निहाल के ब्रज किशोर के बारे में विचार लिखते हुए बताइए कि क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं तथा क्यों? इसको एक एक करके मैं समझाऊंगी, अच्छी तरह से समझना। ब्रज किशोर कौन है? तो ब्रज किशोर पटना के एक धनी तथा सुशिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन धन के लालची, शिक्षित होते हुए भी धन के लालची हैं, इसलिए अवसर का लाभ उठाने से वह बिल्कुल नहीं चूकते। वह मोहन बाबू के निकट संबंधी हैं, लेकिन उनकी नजर मोहन बाबू की संपत्ति पर अधिक है, न कि मोहन बाबू की आवभगत। वह उनकी संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं, इसके लिए वह षड्यंत्र को अंजाम देना चाहते हैं। वह अदालत में मोहन बाबू को पागल सिद्ध करके उनके संपत्ति को हाथ लगाना चाहते हैं कि उनकी संपत्ति हमारे कब्जे में हो जाए। मनोरमा व मोहन बाबू तथा श्यामा और राम निहाल के ब्रज किशोर के बारे में लिखे विचार क्या है? तो मनोरमा किसकी पत्नी है? तो मोहन बाबू की पत्नी है। वह ब्रज किशोर की चालों से अच्छी तरह से परिचित हो गई है, अतः
राम निहाल को सहायता की गुहार लगा रही है। मोहन बाबू जो एक दार्शनिक हैं, वह यह जानते हैं कि ब्रज किशोर उन्हें पागल सिद्ध करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। उनको संदेह है कि मनोरमा भी मोहन बाबू के इस षड्यंत्र में उनका साथ दे रही है, अर्थात यह भी उस षड्यंत्र में शामिल है, मेरे साथ यह भी विश्वासघात करेगी। श्यामा जिसके यहाँ राम निहाल रहता है, श्यामा वह है कि जिसके यहाँ राम निहाल रहता है, जो एक विधवा नारी है, चाहती है कि राम निहाल मनोरमा के पास पटना जाकर ब्रज किशोर के षड्यंत्र से मोहन बाबू की रक्षा करे और उनकी संपत्ति को सुरक्षित कर दे। यानी जो मोहन बाबू को यह विश्वासघात तो लोग उसके साथ करते ही थे, तो श्यामा यह चाहती है कि राम निहाल मनोरमा के पास जाए और जो ब्रज किशोर के द्वारा उसकी संपत्ति को लेने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र से मोहन बाबू की रक्षा करे, उसकी संपत्ति को बचाए। राम निहाल जो अभी तक किसी दूसरे ही संदेह के घेरे में कैद था, अभी तक तो वह, जब श्यामा उसे समझाती है तब उसके दिमाग खुलते हैं, तो अभी तक तो वह दूसरे में था, लेकिन जब श्यामा के द्वारा उसे कहा गया, तब राम निहाल जो अभी तक किसी दूसरे की संदेह के घेरे में कैद था, आज श्यामा के विचारों से प्रभावित हो जाता है और मनोरमा की सहायता करने के लिए जाता है, ताकि ब्रज किशोर की चाल को नाकामयाब कर दे। हाँ, मैं श्यामा और राम निहाल के विचारों से सहमत हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं तथा क्यों? दो प्रश्न है, यदि सहमत हैं तो क्यों? तो हाँ, मैं श्यामा और राम निहाल के विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि संदेह तो दूर होने ही चाहिए। यदि मन में जो संदेह है, तो वह संदेह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक व्यक्ति गलत ही रास्ते पर जाएगा। इसलिए संदेह दूर होना अवश्य चाहिए। झूठे व्यक्ति का झूठ अवश्य सामने आना चाहिए तथा सत्य को न्याय अवश्य मिलना चाहिए, यही नीति कहती है। अब देखेंगे आप शीर्षक की सार्थकता, तो उसी मैं बता देती हूँ। अब आप उद्देश्य, थोड़ा सा आप उद्देश्य पढ़ लेंगे, आपके बुक में भी दिया है, लेकिन इस पूरे कहानी का, कहानी पूरी हो गई, लेकिन इस कहानी का लिखने का उद्देश्य लेखक का क्या, लेखक क्या कहना चाहता है? तो संदेह कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें मनुष्य की पहचान बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए। धन की लालसा के कारण ब्रज किशोर जो एक सज्जन और सुशिक्षित व्यक्ति है, फिर भी अपने संबंधी मनोरमा व मोहन बाबू की संपत्ति का प्रबंधक बनना चाह रहा है। संदेह के कारण मोहन बाबू पागल सा व्यवहार करने लगे हैं। मनोरमा सहायता के लिए राम निहाल से याचना करती है। एक स्त्री द्वारा मदद मांगना धीरे धीरे राम निहाल के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहना राम निहाल को उसके प्रेम की आहट सुनाई देने लगती है। उसके इस शब्द से राम निहाल को प्रेम की आहट सुनाई देने लगती है। राम निहाल श्यामा जो एक विधवा है, उससे राम निहाल प्रेम करने लगता है, परंतु उसे बता नहीं पाता। परंतु कर्तव्य के कारण, या यूं कहिए कि मदद की भावना के कारण, वह अपने प्यार को भी त्यागना चाहता है। वह पटना जाने की तैयारी में लगा हुआ है, तभी श्यामा वहां आती है। ये सारा आपके बुक में दिया हुआ है, तथा सब बात सुनती है। अपना चित्र उसके हाथ में जब देखती है और मनोरमा के व्यवहार से हुए भ्रम को दूर कर उसे मनोरमा की सहायता करके लौट आने को कहती है और उसे समझाती है। लेखक अपनी पूरी कहानी में कर्तव्य को प्रमुखता देते हुए संकट में पड़ी नारी की मदद करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य में सफल होता है।
यही मुख्य है कि लेखक अपनी पूरी कहानी में कर्तव्य को प्रमुखता देते हुए संकट में पड़ी हुई नारी की मदद करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य में सफल होते हैं तथा यह भी दर्शाते हैं कि एक समझदार नारी निर्णय लेने में भी कुशल होती है। तो ये आपका हो गया उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, और आप यह भी लिख लेंगे चलचित्रण राम निहाल का, श्यामा का, मनोरमा का, मोहन बाबू का, ब्रज किशोर का, आपके वर्कबुक में दिया हुआ है, इससे आप मदद लेकर के लिख सकते हैं। तो आपका संदेह लेसन आज कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। कल मैं आपको जो अभी एक लेसन पढ़ाई हूँ इससे कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो अभी आपके वर्कबुक में है वह भी पढ़े आप, कुछ इसमें और भी अतिरिक्त हमने जोड़ा है लेसन के बीच से, और कुछ आपको मैं और लेसन के बीच से अतिरिक्त प्रश्न हम कल देंगे, और कल आपको हम इसके पाठ 8 तो आपके सिलेबस में नहीं है के आगे आएगा, आपका हाँ देखो अभी आपने 9th में पुस्तक पढ़े थे, आप 7th लेसन आपका कंप्लीट हुआ, तो 7th लेसन कल हम आपको अतिरिक्त जो प्रश्न देंगे वह कल आप करना, लेकिन आज तक आपका 5-7 बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको कहीं भी कुछ डाउट नहीं होगा, कारण कि हर एक पैराग्राफ की व्याख्या किया गया है और आपके वर्कबुक में प्रत्येक पात्रों का चित्रण है, उद्देश्य है, शीर्षक की सार्थकता है, मुख्य बिंदु है, और टेक्स्ट बुक आप सामने रखोगे, उस वर्कबुक से टेक्स्ट बुक से मदद ले करके आप सारे प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर हमने बताया है, आप उसको अच्छी तरह से समझ समझ करके अपने शब्दों में लिखेंगे। और कल मैं आपको इसी लेसन से कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दूंगी, अभी आज का ये होमवर्क आज के लिए काफी है, और 7th लेसन हो गया, 8th आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हम केवल 2 लेसन अभी एकांकी का, नहीं तो भेड़ और भेड़िए लेसन पार्ट 9, लेसन 9 भेड़ और भेड़िए, ये 2 लेसन 7 और 8 आपको इधर कंप्लीट करना, इसके बाद समय रहेगा तो फिर अभी मैं इसके बाद एकांकी पढ़ाएंगे। अभी तो आप काव्य में 2 लेसन पढ़े हो, वैसे ही आपको गद्य में भी 6 पढ़ लिए थे, 7 और 9 एक लेसन नहीं है, तो कल मैं आपको पार्ट 9 भेड़े और भेड़िए के बारे में बताएंगे, आप लेसन का रीडिंग घर पे अच्छी तरह से आज लगा लेना, तभी मैं उसको अच्छी तरह से जैसे ही मैं बताऊंगी आपको वह चीज समझ में आएगा। और अभी आपके बुक में उदाहरण में 1 और 2 पहला प्रश्न आपके बुक में बस दिया है, और दूसरे तो मैं आपको बताई हूँ, अगर बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन यदि डाउट होगा तो फिर वह आप कभी पूछ सकते हैं। तो कवि का उद्देश्य क्या रहा ये आप अच्छी तरह से समझ गए कि कवि का उद्देश्य सर्वप्रथम यही है कि कभी भी एक
असहाय व्यक्ति, वह नारी ही नहीं कोई भी व्यक्ति हो असहाय है, तो उसकी मदद हमें अवश्य करनी चाहिए। तो लेखक का उद्देश्य यह दर्शाना है मुख्य करके कि एक असहाय व्यक्ति जैसे मनोरमा और मोहन बाबू की सहायता करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसमें लेखक पूर्ण रूप से सफल हुआ है। कल मैं इसका अतिरिक्त प्रश्न दूंगी और आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, आप उसका रीडिंग लगा लेना। थैंक यू।